दोस्तों किसी लड़की की जब शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद उसका जो आधार कार्ड होता है, जो अपने फादर के नाम का आधार कार्ड होता है, उसके अंदर जब उसको करेक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि जब शादी हो जाने के बाद उस आधार कार्ड के साथ उसके पति का नाम अपडेट करवाना होता है, साथ ही उसके ससुराल का एड्रेस है उसे अपडेट करवाना होता है। तो दोस्तों ऐसा करवाने के लिए आप जब किसी लड़की की शादी हो जाती है उसके बाद ये कार्य करवाने के लिए आप किसी नज़दीकी आधार सेंटर पर जाते हैं और वहाँ जाके जब आप बताएंगे कि भाई हमें ये आधार कार्ड अपडेट करवाना है, तब वहाँ पर आपको आधार कार्ड का जो सेंटर होता है वहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि विवाह पंजीकरण लाइए, तब आपका आधार कार्ड है जो कि अपडेट होगा। तो दोस्तों विवाह पंजीकरण है बनाना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ एक फॉर्म आपको लेना होता है, फिर उस पूरे फॉर्म को फिलअप करवाना है, फिर दो तीन गवाहों का साइन है वगैरह है, ब्राह्मण के सिग्नेचर वगैरह ये सब करवा के फिर आपको ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करवाना होता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ 2-4, 7-8 दिन लग जाते हैं, फिर ग्राम सेवक के द्वारा वहाँ पर अप्रूवल मिलता है, उसके बाद आता है, तो ऐसे में काफ़ी आपको टाइम लग जाता है। अगर आप फटाफट से बिना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के फटाफट अपना आधार कार्ड अगर अपडेट करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप आसानी से आप आधार कार्ड है जिसे अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आधार सेंटर पे जाके उस आधार कार्ड के अंदर जिसका भी आधार आपको संशोधन करवाना है उस बच्चे के आधार कार्ड के अंदर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवा देने हैं, और साथ ही आपको केवल फ़ोटो है उसका वो आपको अपडेट करवा देना, हो सकता है आप बायोमेट्रिक भी साथ में अपडेट कर दें, क्योंकि जब वो बच्चे छोटे होते हैं तब अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ है तो उसकी फिंगर है वो छोटे फिंगर कैप्चर किए हुए होते हैं, उसके बाद बड़ी हो जाने के बाद फिंगर में थोड़ा बदलाव आ जाता है, तो आप अपना पूरा बायोमेट्रिक अपडेट करवा दें, बायोमेट्रिक में पूरे फिंगर अपडेट हो जाएंगे, फिर उसका जो चेहरा है वो छोटी बच्ची का फोटो होगा तो वो अभी बड़ी होने के बाद उसका वो फोटो आपको चेंज करवा देना है, और उसके बाद आयरिस का फोटो है आँखों का वो भी नया अपडेट करवा देना है, और साथ ही केवल मोबाइल नंबर उसके अंदर अपडेट करवाना, बाकी आपको कुछ करेक्शन नहीं करवाना, और ये सब करवाने के लिए आपसे कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं मांगे जाएंगे, केवल उसका अंगूठा लगेगा और वो आधार कार्ड है जो कि पूरी तरह से मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे और फिंगर अपडेट हो जाते हैं। तो इतना काम करवाने के बाद दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही साधारण और सिंपल प्रोसेस है, आप केवल एक ही दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकते हैं, और उसी दिन आप हाथों हाथ से आप बिना किसी आधार सेंटर जाए आप घर बैठे ही ये कार्य कर सकते हैं, आधार कार्ड के अंदर नाम में जो कि संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको पूरा प्रोसेस बताना हूँ कि किस तरीके से आपको घर बैठे आधार कार्ड को संशोधन करना है बिना किसी डॉक्यूमेंट के। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास एक PDF है, फॉर्मेट है, इसको ओपन करके इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आधार कार्ड के अंदर आसानी से संशोधन करवाना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इस PDF फाइल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये PDF फाइल UIDAI की तरफ से जारी की गई है, आधार कार्ड का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ही ये लिस्ट जारी की गई है। तो इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि अपन आज बात कर रहे हैं कि आधार कार्ड को किस तरीके से संशोधन कर सकते हैं, उसमें किसी भी लड़की की शादी हो जाने के बाद उसके पति का नाम आप किस तरीके से अपडेट करवा सकते हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वाला जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक पॉइंट लिखा गया है, वो आपको मैं बता देता हूँ। 14 नंबर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हैविंग फोटो एंड रिलेशनशिप विथ EOF इश्यू बाय विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया और इक्विपमेंट अथॉरिटीज फॉर रूरल एरियाज, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको ये 14 नंबर वाला पॉइंट है, तो ये हेड ऑफ मुखिया पंचायत का यानी कि सरपंच, तो आपको केवल सरपंच के साइन करवाने हैं, तो सरपंच के साइन आपको कहाँ पर करवाने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट पे मतलब उसका जो फॉर्म है वो किस तरीके का है, तो वो भी आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि इसी PDF को आप नीचे करेंगे, इस PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम डाउन करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट मिलेगा सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट यानी अपडेट, तो नया आधार कार्ड बनाना है तो भी आप इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आज के इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि किसी लड़की की शादी हो जाने के बाद उसके आधार कार्ड के अंदर बिना मैरिड सर्टिफिकेट आप किस तरीके से आसानी से अपडेट करवा सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, इस फॉर्मेट को आपको भर देना है। तो दोस्तों इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। इसी PDF के अंदर आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा पूरा भरा हुआ, तो उसके हिसाब से आपको इस फॉर्म को भर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट जो कि भरा हुआ है इसमें
सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देने हैं पहले से जो भी है, और यहाँ पर आपको रेसिडेंट वाले भी टिक कर देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट वाला जो अपडेट वाला है, रिक्वेस्ट वाला, इसके ऊपर टिक मार्क कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर आधार का, जिसका भी आधार कार्ड है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, उस लड़की का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सी यू वाला जो ऑप्शन है ये वाला, तो यहाँ पर उसके पति का नाम आपको भर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उसके पति का नाम भर देंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये एड्रेस वगैरह बहुत कुछ भरा हुआ था। अगर आप रूरल एरिया से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतने तक आपको ये कुछ नहीं भरना है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो दोस्तों यहाँ पर सीधा ही आपको अपने गाँव का नाम डाल लेना, यानी कि उस बच्ची का जहाँ भी ससुराल है तो वहाँ पर उस ससुराल का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों उनकी जो पोस्ट ऑफिस लगती है वो आपको डाल देनी है, फिर आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर पिन कोड नंबर है ये मैंडेटरी है, आपको पिन कोड नंबर भर देने हैं। उसके बाद इसकी जो डेट ऑफ बर्थ पहले से आधार कार्ड के अंदर है वही डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ उसमें 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए दोस्तों। अगर 18 साल पूरी नहीं है तो पहले आधार को आपको अपडेट करवा के ये 18 साल पूरी उम्र करवानी होगी, तब जाके यहाँ पर आप पते का नाम इसमें ऐड कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसका भी आधार है उसका आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा देना है, और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो है जो कि लगा देना है, यहाँ पर आपको उसका फ़ोटो चिपका कर देंगे, रंगीन नया फ़ोटो लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आएंगे हम नीचे, तो यहाँ पर दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट है कि आपके इस फॉर्म को कौन वेरीफाई करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई करने वाला जो भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट के अंदर लिखा गया है, टिक मार्क किया हुआ है, ग्रेजुएट ऑफिसर ग्रुप ए का जो ग्रेजुएट ऑफिसर है उसके पास भी करवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इनमें से किसी का भी आप सिग्नेचर इस पर करवा सकते हैं। लेकिन जो सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, वो रहेगा आपके गाँव के जो सरपंच है उसका साइन करवाना। यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया, तो यहाँ पर आपको सरपंच है जो कि आसानी से मिल जाएंगे, और ये साइन भी बहुत ही आसान तरीके से कर देते हैं क्योंकि सरपंच लोकल होते हैं और वो उनकी आप समझ सकते हैं जो कि साइन बहुत फटाफट से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, सरपंच वाले पे टिक पार कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सरपंच का नाम डाल देना है। उसके बाद ड्रेसिंग वाला जो यहाँ पर लिखा गया है दूसरे नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको डाल देना है सरपंच लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑफिस एड्रेस में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस ग्राम पंचायत का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, सरपंच के मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर भी आपको डाल देने हैं, लिखवा देने। ये सारा चीज़ भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों सरपंच के जो सील होते हैं, पंचायत के स्टैम्प होते हैं, वो आपको यहाँ पर लगवा देने। आप देख सकते हैं यहाँ पर सरपंच की स्टैम्प लगेगी और सरपंच के साइन होंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको फ़ोटो यहाँ पर लगा देना, तो जो कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया, तो इस फोटो के ऊपर भी आपको सरपंच के सिग्नेचर और सील लगवाने ज़रूरी है। तो ये पूरा फॉर्म इस तरीके से आपको भरवा देना है। तो इसकी पूरी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप पूरा ये फॉर्म है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रिंट आउट निकलवा के ये काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, अब आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि ये फॉर्म आपको सरपंच के साइन करवाने के बाद आपको आखिर करना क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका एक ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है यूआईडीआई की वेबसाइट पे, और यहाँ यूआईडीआई की वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑर्डर आधार पीयूसी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाना है लॉगिन, तो लॉगिन वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर डाल देने हैं उसके आधार नंबर। ये आधार नंबर कब डालने हैं कि जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि आपको आधार कार्ड को अपडेट करवा देना है आधार सेंटर पे जाके, केवल उसमें मोबाइल नंबर और फोटो वगैरह वो चेंज आपको करवा देना है। मोबाइल नंबर एक बार अपडेट हो जाते हैं 48 घंटे के अंदर। मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने के बाद दोस्तों आपको ये जो मैंने अभी फॉर्मेट आपको बताया है ये भर के इस पर सरपंच के साइन करवा के उसके बाद आपको यहाँ पर हो जाना है लॉगिन। तो चलिए दोस्तों आपको मैं आगे लॉगिन का प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डाल देने हैं आधार नंबर और हो जाना है लॉगिन। तो चलिए हम फटाफट से ये लॉगिन करके भी आपको मैं बता देता हूँ, और ओटीपी को हम कर देंगे यहाँ पर वेरीफाई। ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार का आपका डैशबोर्ड है, आप लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आधार अपडेट वाला, ऑनलाइन वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक।
इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोसेस अपडेट फॉर आधार, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन है एड्रेस चेंज का, बाकी आपको कुछ नहीं करना, एड्रेस चेंज वाला है, इसके ऊपर टिक मार करके प्रोसेस अपडेट आधार पे आप क्लिक कर देंगे। ये क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पहले वाला जो आधार है वो आ जाएगा, हालांकि ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों डिटेल ऑफ अपडेट, तो आप नया अपडेट क्या करना चाहते हैं इसका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर केयर ऑफ में उसके पति का नाम आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर केयर ऑफ में उसके पति का नाम डालेंगे, फिर आपको यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी है, यहाँ पर डायरेक्ट पिन कोड नंबर डाल देंगे। पिन कोड नंबर डालने के बाद आपका गांव का नाम है जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से पिन कोड नंबर डालने के बाद आपका गाँव आ जाएगा, ये सब हिंदी में है और अंग्रेजी में ऑटोमेटिकली भर जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट विलेज पंचायत वाला, ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना। तो सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस यूज्ड बाय द विलेज पंचायत हेड ऑफ रिक्वायरमेंट इज द UID स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो UID का स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि ये वाला है, ये इसे इस फॉर्मेट में भी होना चाहिए, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया। तो ये फॉर्म आपको पूरा भर लेने के बाद इस फॉर्म को आपको कर देना है यहाँ पर अपलोड, ठीक है। इस ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करने के बाद व्यू एंड अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू अपलोड पे जाएंगे और आपको जहाँ पर फाइल रखी हुई है वहाँ से लेके आप इसको अपलोड करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको 50 रुपये का टोकन है जो कि कटवा देना है, ठीक है। आपको 50 रुपये का टोकन कटेगा और आपका आधार है जो कि आसानी से अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।